नई मुंबई की कैलाश शिखर सोसाइटी में दुकानदारों के साथ हुई मारपीट का मामला पुलिस थाने पहुंच गया है। रीडेवलपमेंट पर मचे बवाल के बीच दुकानदारों ने सोसाइटी के बिल्डर्स के खिलाफ गुंडों से पिटवाने और परेशान करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित दुकानदारों ने कहा कि वे दुकान के बदले दुकान मांग रहे हैं, लेकिन न्याय देने की बजाय अब उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश शुरू हो गई है। देखे रिपोर्ट। सेवेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड एक्स सर्विस मैन हूँ, मतलब मैं 83 में रिटायर हुआ और अभी मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया। हमें पूरा भरोसा है इस प्रशासन पे कि हमको न्याय पुलिस देगी। अगर हमें लगा तो इसके आगे हम सीपी साहब तक जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने 7 से 8 घंटा लिया है एफआईआर दर्ज करने के लिए लोकल पुलिस चौकी का, तो मुझे डेफिनेटली भरोसा नहीं है। पैंतीस दुकानों वाली कैलाश शिखर सोसाइटी के कुछ दुकानदारों के साथ मारपीट पर बवाल मच गया है। घटना 2 दिन पहले की है, जब इमारत के विकासक अरिहंत बिल्डर के कुछ लोग आए और जबरन दुकान खाली कराने लगे। दुकानदारों की माने तो जब उन्होंने मना किया तब उनके और नाबालिग बेटियों के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। उन्होंने वासी पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया, जिन्होंने एफआईआर लिखने में 7 घंटे लगा दिए। पीड़ितों ने कहा कि वे सिर्फ अपनी दुकान के बदले दुकान मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय के बदले मारपीट मिल रही है। हम पहुंचने तक तो तोड़फोड़ कर दिया। बताया गया कि पत्रे लगाए जा रहे थे दुकान के सामने। जब हमने 3 बार मीटिंग ली थी किशोर पाटकर सर के पास, उन्होंने बोला था दुकानों के सामने पत्रे नहीं लगाए जाएंगे। तो बच्चे जब दुकान में थे या लेडीज दुकान में थी जो काम कर रही थी, वो बोल रहे थे 15 मिनट रुको, 15 मिनट रुकना चाहिए। ये 15 मिनट रुके नहीं, दुकान में घुस के मेरी बच्चे के कपड़े फाड़े गए। बेतहजीब शर्म आए ऐसे कृत्य लोगों ने किया गया। लेडीज़ को मारा गया, दुकान में जो काम करे उनको मार के उनके दांत तोड़े गए, उनको परेशान किया गया। एक ने 10-15 की संख्या में लेडीज़ आगे करके धिंगाना किया गया। नवरंग ट्रेडिंग मेरा दुकान है और आके ही हमारा डायरेक्ट आके हमको मारपीट किया और मेरा भाई को लाठ से मारने लगे। 50 औरत लोग आके हमारे ऊपर हमला किया, बोलता है तुमको मारेगा, तुम इधर के नहीं है, आप बाहर चले जाओ, तो तुम्हारा ये विषय ख़त्म हो गया। बोला कैसा दुकान, तो एग्रीमेंट तो दे गए तो हम बाहर निकलेगा ना। मैं 75 ईयर्स ओल्ड एक्स सर्विस मैन हूँ, मतलब मैं 83 में रिटायर हुआ और अभी मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये स्टेज में ये देखते देखते एक बेटे के लिए हमारी ये गुजारिश है कि हमको दुकान के बदले में दुकान दी जाए और जो पत्रा लग गया है पत्रा उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। एक सहकारी हैं, नौरंग किराना करके दुकान है, कुछ लोग आए पत्रा वगैरह लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्होंने बोला कि थोड़ा अभी हमारे पेरेंट्स नहीं है, बाद में आइए। इतने में उन्होंने मॉब खड़ा कर दिया और जो है उन पे मारपीट करने लगे, छीना छपटी करने लगे। मेरी बेटी और मेरे बच्चे लोग वहाँ थे और उसको हाथापाई और मारपीट किया। उन लोगों ने जबरदस्ती खाली कराने की कोशिश की। हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि हमें कमर्शियल जगह, हमको कमर्शियल चाहिए, तो हमको दबाने के लिए गुंडागर्दी। और हम लोग इतने परेशान कर रहे हैं कि कोई रात में दुकान तोड़ देंगे, कभी दिन में कर देंगे। बताना जरूरी है कि 2 दिनों पहले ही दुकानदारों ने इमारत का पुनर्विकास कर रहे अरिहंत बिल्डर्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए दुकान के बदले दुकान की मांग की थी। आरोप है कि इससे नाराज बिल्डर ने अपने गुंडे भेजकर दुकान में मौजूद उनकी नाबालिग लड़कियों और कामगारों के साथ मारपीट की। दुकानदारों ने कहा कि उन्हें बिल्डर से खतरा पैदा हो गया है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सरकार और पुलिस उच्चाधिकारियों से भी मदद की मांग करेंगे। वहाँ पे एक परब बोल के थे इंसान, उन्होंने सामने से थ्रेट दिया है कि हमारे काम के आड़े आओगे तो तोड़ दिए जाएंगे। हम काम के आड़े नहीं है सर,
मेरा हक मांग रहे, हक मांगना अगर रॉन्ग है तो तोड़ना है तो उनकी मर्जी सर, हम हर चीज़ कानूनन करें। ऐसा लगता है कि जो जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट वो इतना रिलक्टेंट है, उनके ऊपर क्या प्रेशर है या कौन उसको इतना दबाव में रखा हुआ है कि एक एक साधारण मारपीट का या छेड़खानी का जिस लड़की के साथ में ऐसा हुआ और उसकी FIR लिखने में इतनी देर जनरली नहीं होनी चाहिए। लोकल पुलिस चौकी का तो मुझे डेफिनेटली भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 7 से 8 घंटा लिया है FIR दर्ज करने के लिए, मुझे बाहर का सारा लेना पड़ेगा, बाहर CPS के पास जाना पड़ेगा, उसके अलावा मुझे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। एक छोटी सी कंप्लेंट के लिए साहब आपको मैं क्या बताऊं, ना जाने हमारे स्थानीय पुलिस स्टेशन पे क्या प्रेशर था, क्या दबाव था उनके, ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उनके चेहरे मजबूर दिख रहे थे कि 7 से 8 घंटा एक FIR लिखने में लग गया। रात को हम लोग मेडिकल वगैरह करा के 1:30 से 2 बजे घर पहुंचे हैं साहब, हमारी जान को बहुत टेंशन है साहब। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रेट करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि किसी दुकानदार को दुकान ना देना पड़े। दुकानदारों ने यह भी कहा कि वे रिडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। इस मामले पर अरिहंत बिल्डर से प्रतिक्रिया लेने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कैमरे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।